क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ध्यान से अगर देखो तो लेट कर लो इसे, जो नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर x प्लस 4 को टी लेट कर लो, लेट x प्लस 4 इक्वल टू में टी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें x को डिफ्रेंशिएट करने पे dx मिलेगा, 4 को करने पे 0 मिलेगा और t को करने पे dt मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास t आ जाएगा, ऊपर x बचेगा, हमें सब कुछ t के फॉर्म में चाहिए अब। ठीक है ना, लेट करने के बाद सब कुछ t के फॉर्म में चाहिए, तो इस x को भी t के फॉर्म में चेंज कर लो। कैसे करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 4 है ना, प्लस 4 है इधर लाओ माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t माइनस 4, सब कुछ इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने t माइनस 4 लिख दिया, डिवाइड में अंडर रूट के अंदर t, dx की वैल्यू क्या है, dt है। अब देखो आप, पहले ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, अभी सॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको अब आप सेपरेट कर सकते हो और फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप ही, माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट टी डी टी, एक ही बात है ना, बस मैंने सेपरेट कर दिया, कुछ नहीं किया है। इसके बाद और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन टी अपॉन में अंडर रूट टी क्या आएगा, अंडर रूट टी आएगा है ना, टी अपॉन में अंडर रूट टी, अंडर रूट टी आएगा, और आप अंडर रूट टी को टी की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, माइनस का माइनस, 4 का 4, 1 अपॉन में अंडर रूट टी ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, टी की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और डी टी, किसी को इसमें डाउट हो कि भैया इससे ये क्या कर दिया, छोटी सी बात है ये तो बता देता हूँ, यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन में अंडर रूट टी था, इस मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में टी की पावर 1/2 ऊपर ले जाओ, पावर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, टी की पावर माइनस 1/2 आएगी वैल्यू फिर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि बस आपको करना क्या है, पावर में प्लस 1 करना है और नीचे टोटल पावर लिख देनी है। तो पावर क्या है हमारे पास, पावर है हमारे पास 1/2 है ना, तो पावर में प्लस 1 कर दो, टी की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, माइनस का माइनस, 4 का 4, पावर में प्लस 1 करना होगा, टी की पावर क्या है यहाँ पे, माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1 तो हमें 1/2 मिल जाएगा, और डिवाइड में माइनस 1/2 प्लस 1 हमें 1/2 मिल जाएगा, प्लस एक वैल्यू करनी होती है कॉन्स्टेंट, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लो, बस आंसर तो यही है, 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा 2, नीचे क्या है 3, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 पुट कर दो, पावर 3/2 माइनस 2 डिवाइड में है ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, टी की पावर 1/2 है, टी क्या है हमारा, एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आप बोलोगे भैया बुक से मैच नहीं हो रहा, बुक में उन्होंने यहाँ पे एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन निकाल लिया है, निकालना ना निकालना आपकी मर्जी है, ज़रूरत नहीं निकालने की, अगर आपको बुक से मैच करना है तो एक्स प्लस फोर की पावर 1/2 कॉमन निकाल लो दोनों से, आंसर मैच रहेगा, लेकिन मैच करने की नीड नहीं है, इतना ही है हमारा आंसर, कंप्लीट है। ओके,